जमीन साफ सुथरी हो, पाक जमीन हो, और उसके ऊपर यानी आयतें पैनाफ्लेक्स के ऊपर वाली साइड पर हो, फिर इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है इसमें, जबकि जरूरत भी है इसकी। सूरह यासीन को सुबह शाम पढ़ने की फजीलत, शहजान नसीम कश्मीर से। सूरह यासीन के बारे में फजाइल अमाल में लिखा है कि जो शख्स इसको सुबह पढ़ेगा शाम तक इसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और जो रात को पढ़ेगा तो रात से सुबह तक अल्लाह की पनाह में होगा। क्या ये फजाइल दुरुस्त हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। सूरह यासीन के बारे में जो हदीसें हैं ना सुबह पढ़ने की या रात पढ़ने की, ये ज़ईफ़ और सनद के लिहाज से बहुत कमज़ोर अहादीस हैं। अब बाज़ उलमा की राय चूँकि ये थी कि ज़ईफ़ अहादीस भी फजीलत में बयान करने में और कोई हर्ज नहीं है, तो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ था, तो वो इसलिए उन्होंने फ़ज़ाइल अमाल में बहुत सारी सही हदीसें भी हैं तो बहुत सी ज़ईफ़ हदीसें भी लाए हैं। चूँकि ये एक इख्तलाफी मसला है कि किस दर्जे की ज़ईफ़ हदीस किस बात को साबित करने के लिए बयान की जा सकती है, लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि आपके पास सही अहादीस इतनी हैं कि उन्हीं पर जब उन पर अगर आप अमल करेंगे तो ज़ईफ़ तक जाने का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो बेहतर यही है कि फ़ज़ाइल के बाब में भी जो सही अहादीस हैं उन्हीं को फॉलो कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।